कुछ साल पहले जो है, 2 से 3 साल पहले, जब तालिबान गवर्नमेंट से पहले जो गवर्नमेंट थी, उस टाइम में ये खासा रश वाला एरिया था शहर नो, और खासी गहमा गहमी होती थी, खासी मार्केट्स ओपन होती थी, लेकिन अभी जो है खासी तब्दीली आ चुकी है। बहुत अच्छा टेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जी। उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक की रहमत करम और फ़ज़ल से आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों अभी फिर जो मेरे दोस्त हैं ज़ियाउल्लाह फिर मेरे साथ हैं, और अभी हम जो है वो शाम हो रही है काबुल की, तो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। दोस्तों आप ये देख सकते हैं हल्की हल्की शाम है, मगरिब का टाइम हो रहा है दोस्तों। तो अभी जो है हम लोग थोड़ी सी विंडो शॉपिंग करेंगे और घूमेंगे फिरेंगे मार्केट्स वगैरह में, और उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह फर्दर एक्टिविटी आपसे शेयर करते हैं दोस्तों। जी तो दोस्तों अभी हम लोग गालबन पहुंच गए हैं ज़ियाउल्लाह, वेयर वी रीच नाउ, शहरे नो, शहर में हो गया या ये शहरे नो है जी। लाइट्स इधर कम लग रही हैं, लेकिन चलते हैं आगे आपको दिखाते हैं शायद लाइट्स वगैरह हों। ये दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरफ मार्केट्स, और ये दोस्तों जी तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं ये स्ट्रीट फूड है जी। ये हम लोग हैं जी दोस्तों, कहीं कहीं जो है ये क्रिस्टल कॉफी शॉप है, यहाँ कहीं कहीं आप देख सकते हैं शाम का टाइम है इसलिए ज्यादा क्लियर नहीं है दोस्तों। ये जो है पेट्रोल पंप है यहाँ का जी। तो व्यूवर्स हमने गाड़ी पार्क कर दी है और इस वक्त हम शहर नो में हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं सामने जो प्लाजा है ये मजीद मॉल के नाम से खासा फेमस है यहाँ काबुल में, और इसकी मशहूर होने की वजूहत में डिफरेंट कपड़ों के जूतों के जो है वो ब्रांडेड जो है वो शोरूम्स हैं, और इसके अलावा फूड पॉइंट्स हैं जिसमें दोस्तों पिज़्ज़ा हट और स्पेशली जो टर्किश रेस्टोरेंट है जहाँ मेरा कई बार आना वह बहुत ही लजीज खाना होता है दोस्तों। तो चलें अंदर चलते हैं। जी तो व्यूवर्स मैं आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करता चलूं। तालिबान गवर्नमेंट से पहले जो है वो मॉल्स में और आउटसाइड परमिशन थी वीडियो शूट करने की, लेकिन अभी सिक्योरिटी रीजन की बिना पर हम लोगों को इजाज़त नहीं मिली। तो दोस्तों अभी हम लोग डिनर के लिए जो है वो एक काबुल में न्यूली ओपन रेस्टोरेंट है ज़ियाफ़त के नाम से वहाँ आए हैं दोस्तों। बहुत ही एंट्री के साथ ही हम लोगों को एक बड़ा एक्सपीरियंस, बड़ा एक यूनिक एक्सपीरियंस हुआ है दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत इंटीरियर डिज़ाइनिंग है। तो चलें दोस्तों फिर आप डिनर करते हैं और आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हम लोगों ने जो है वो चिकन मलगटानी सूप का ऑर्डर प्लेस किया था दोस्तों, तो टेस्ट करते हैं आपको बताएंगे कि कैसा टेस्ट था। और जैसा कि आप देख सकते हैं ज़ियाउल्लाह एज़ यूजुअल जो है वो तबाही लगा रहे हैं। तो चलें दोस्तों टेस्ट करते हैं और फिर आपसे एक्सपीरियंस अपना शेयर करते हैं जी। सूप आ चुके हैं, ट्राई करते हैं, देखते हैं। बेहतरीन जी जायका माशाल्लाह, बेहतरीन टेस्ट है। जी तो नाजरीन मेन कोर्स में जो है हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया था बारबेक्यू प्लेटर, जिसमें जो है मटन चाम्प और ये मटन लोला कबाब बोलते हैं, और इसमें चिकन मलाई बोटी थी और रेशमी कबाब थे एक, और इसके अलावा दोस्तों हम लोगों ने बारबेक्यू प्लेटर के अलावा जो है एक बिरयानी ऑर्डर की थी, और इसके अलावा जो है वो लैम कढ़ाई थी दोस्तों। तो चलें दोस्तों इसको खाते हैं और इसको एंजॉय करते हैं, बारबेक्यू से स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बारबेक्यू में भी खासी ज़्यादा वैरायटी है, कोशिश करेंगे कि सारा सब टेस्ट कर सकें और आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें दोस्तों।
लेट मी ट्राई दिस वन। ट्राई करते हैं, देखते हैं फिर कैसा है। बहुत अच्छा टेस्ट है जी। जी तो व्यूवर्स आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। मैंने सूप तो एक आउटलास था ही, लेकिन बारबेक्यू का भी जवाब नहीं दोस्तों। और इसके बाद मैं आपको इसका ओवरव्यू देता हूँ कि बारबेक्यू भी डिलीशियस था, राइस जो थे वो एक वक्त लग रहा था कि बिरयानी है, हमने बिरयानी ऑर्डर किया, ये टबरी पुलाव है, लेकिन दोस्तों उसमें ड्राई नट्स और कभी लग रहा था कि अरबिक टच दिया हुआ उसको, कभी ऐसा फील हो रहा था कि टर्किश टच है, लेकिन तो इसके अलावा जो मटन की कढ़ाई थी या कह लें लैम की कढ़ाई थी वो भी इतनी डिलीशियस थी कि वो ऐसे लग रहा था कि अरबिक टर्किश ईरानी अफ़गान और पाकिस्तानी फूड को 6-7 कंट्रीज़ के डिफरेंट क्यूजन्स को जो है उसका नया एक ब्लेंड बनाया गया है और एक उसको एक ज़बरदस्त टेस्ट दिया हुआ है दोस्तों। हाईली रिकमेंडेड है, ज़रूर आए फैमिली के साथ भी, और मैं अपने अफगान दोस्तों से भी कहूँगा कि बहुत ही अच्छा पुरसकून जो है, बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट है, तो हाईली रिकमेंडेड है और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आते रहा करेंगे दोस्तों। बहुत ही मज़े का है सारा, हर डिश जो है लाजवाब है, तो रेकमेंडेड है, ज़रूर आएँ, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, आप भी इंजॉय करें जी। हमने जो है जी देखिए माशाल्लाह स्टिल काफ़ी बच गया है। जी तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया है, बहुत ही मज़ेदार खाना था जी, तमाम डिशेस जो थी वो आउट क्लास थी। तो जी तो व्यूवर्स अभी हम लोग ज़ियाफ़त रेस्टोरेंट्स के वॉशरूम चेक करेंगे दोस्तों। जैसा कि मैंने आपसे ज़िक्र किया, बहुत ही खूबसूरत यूनिक किस्म का इंटीरियर डिज़ाइनिंग हुई है, स्पेशली शेंडलियर, और बड़ा एक यूनिक एक्सपीरियंस है स्पेशली काबुल में ड्यूरिंग तालिबान रूल। और दोस्तों ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये वॉशरूम्स हैं और इसकी क्लीनिंग से ही अंदाज़ा आप लगा सकते हैं इसके स्टैंडर्ड का। जी तो व्यूवर्स अभी हम लोग जो है वो रेस्टोरेंट से निकल चुके हैं और आप देख सकते हैं कि मैं जो है वो शहर नो में रोड पे जो है वॉक कर रहा हूँ। रात का टाइम है, ऑलमोस्ट 9 बज चुके हैं, और दोस्तों आप देख सकते हैं कि चूँकि सर्दियाँ हैं रश खासा कम है, और हमने चूँकि खासा हैवी किस्म का डिनर किया था तो अच्छा है कि हमारा जो है वो कार पार्किंग तक जो है हमारी अच्छी वॉक हो जाएगी अभी। जी तो हम लोग पहुँच आए हैं और अभी ज़ियाउल्लाह जो है वो अपनी कार पार्किंग से लेने के लिए गए थे, और अभी मुझे फ़ोन आया कि जी बता रहे थे कि कोई भाई साहब जो है वो एग्जैक्टली उनकी गाड़ी के पीछे पार्क करके गलती से चले गए हैं। तो चलें देखें दोस्तों, ये आपको दिखाता चलूँ, ये काबुल के रोड है और ये सिर्फ बारबर शॉप ओपन है दोस्तों। एक्सपीरियंस शेयर करता जाऊँ, कुछ साल पहले जो है 2 से 3 साल पहले जब तालिबान गवर्नमेंट से पहले जो गवर्नमेंट थी उस टाइम में ये खासा रश वाला एरिया था शहर नो, और खासी गहमा गहमी होती थी, खासी मार्केट्स ओपन होती थी, लेकिन अभी जो है खासी तब्दीली आ चुकी है, और हो सकता है सर्दी की भी वजूहत हों, लेकिन मैंने खासा चेंज देखा है अभी काबुल सिटी में। चलते हैं फिर दोस्तों, आज का जो व्लॉग है वो यहीं ख़त्म करते हैं, और उम्मीद करता हूँ जो व्लॉग है काविश है पसंद आई होगी दोस्तों। अगर मेरी काविश पसंद आई है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।